नमस्कार, आपनी साथे हूं छु विधाता। महत्वना समाचार थी शुरुआत करे। सुरेन्द्रनगर में घटना बनी छे लूंटनी। वढवाण में 20,55,000 की लूंट चलावामां आवी छे। वढवाण की लाखोनी पोणिया घटना छे। रिवॉल्वर नी अणिए त्रण व्यक्तियों ने लूंटी लेवा आया छे। त्रण व्यक्तियों काळा नाणा सफेद करवानी लाइन में लूंटाया छे। काळा नाणा सफेद करवा माटे त्रण व्यक्तियों आव्या हता। नाणा लेवा आव्या हता ते समय नरेन्द्रसिंह काळुभाई मोरी उर्फे भवानी नामना युवके त्रणेयने लूंटी लीधा। सुरेन्द्रनगर लोकल क्राइम ब्रांच की टीम तथा वढवाण स्थानिक पुलिसे आंगे वधु तपास शुरू करी छे। तो लूंटनो भोग बनेला त्रण व्यक्तिओ वढवाण पुलिस मथके आंगेनी फरियाद नोंधावी छे। अने हवे बात प्रधानमंत्री मोदी नी ड्रीम टीम नी। नवा मंत्रीओने कराई छे खाताओनी फाळवणी। मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य मंत्री बनाववामां आव्या छे। केमिकल अने फर्टिलाइजरनो चार्ज पण मांडविया ने सोंपवामां आव्यो छे। तो परषोत्तम रूपाला डेरी अने मत्स्य विभागना मंत्री, महेन्द्र मुंजपरा महिला अने बाळ विकासना राज्यमंत्री बनावाया। देवूसिंह सूचना अने प्रसारण राज्यमंत्रीनो कार्यभार संभाळशे। तो आ साथे दर्शना जरदोश कापड़ अने रेलवे राज्यमंत्री तरीकेनी कामगीरी करशे। अमित शाहने नवा सहकार मंत्रालयनो वधारानो चार्ज सोंपवामां आव्यो छे। तो प्रधानमंत्री विज्ञान अने प्रायोगिक विभाग जोशे। अश्विनी वैष्णव ने बनावाया छे रेलवे मंत्री। स्मृति ईरानी महिला अने बाल विकास मंत्री। पीयूष गोयल बन्या छे कापड़ मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री तरीकेनी कामगीरी करशे। तो गईकाले केन्द्रीय केबिनेट नुं विस्तरण थयुं छे, विस्तार थयो छे। या गुजरात नो दबदबो, तो आ साथे जे फेरफार करवामां आव्या छे। पीयूष गोयल हवे बन्या छे कापड़ मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री तरीकेनो कार्यभार संभाळशे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री तरीकेनी कामगीरी निभावशे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ना नवा मंत्रिमंडल में गुजरात नो दबदबो जोवा मळ्यो छे। परषोत्तम रूपाला अने मनसुख मांडविया ने ज्यां केबिनेट मंत्री तरीकेना शपथ ग्रहण कर्या, जयरे दर्शना जरदोश, देवूसिंह चौहान और महेन्द्र मुंजपरा पण टीम मोदी में समावेश करवामां आव्यो छे। गुजरातमांथी हाल केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री तरीकेनी जवाबदारी निभावी रहेला परषोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया ने प्रमोशन आपवामां आव्यु छे। केन्द्रीय केबिनेट में गुजरात थी पण त्रण नवा चेहराओनो समावेश करवामां आव्यो छे। गृहमंत्री अमित शाह साथे मनसुख मांडविया और परषोत्तम रूपाला पहलेथी ज केन्द्रीय केबिनेट में गुजरातनुं नेतृत्व करी रह्या छे। त्यारे वधु त्रण चेहराने केन्द्रमां स्थान प्राप्त थयुं छे। 2022 विधानसभा चूंटणीने ध्यानमां लईने आ निर्णय लेवायो होवानुं मानवामां आवी रह्युं छे। मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है और मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री दर्शना जरदोश जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जो कि गुजरात से बिलोंग करती हैं। सबसे पहले तो मैम ये जानना चाहूंगी कि पहली प्रतिक्रिया क्या है सांसद से अब मंत्री। न्यूज 18 ना सौ दर्शक मित्रों ने मारा नमस्कार। अने सूरतनी जनता अने नरेन्द्र भाई जे रीते विश्वास राख्यो छे, तक मळी छे ते बदल खूब आनंद अने गर्वनी लागणी अनुभव छु। आम तो त्रण टर्मथी हूँ चूंटाईने आउं छूँ अने सूरत एक एवं शहर है कि जेने भारतीय जनता पार्टी पर खूब भरोसा राख्यो छे। 75% जेटला मत भारतीय जनता पार्टीए आप्या छे अने सौथी वधारे मतोथी जीतीने ज्यारे मैं आव्या छे त्यारे आवी सरस जवाबदारी जे मळी छे एमना नेतृत्वमां काम करवानी ते बदल खूब आनंद थाय छे। बिल्कुल, आपने कहा कि बहुत आनंद है, अब मोदी जी के साथ काम करना है। अभी आप सांसद थी और अब एक नई जिम्मेदारी मिली है, तो गुजरात क्या अपेक्षाएं करे दर्शना जी से? आम तो जे जवाबदारी मळी ए अमे सरस रीते निभावता जता। लगभग 12-15 वर्ष मैं संगठन में महिला मोर्चा में काम कर्यु अने त्यार पछी संसद तरीकेनी जारे जवाबदारी निभावी त्यारे सूरतना प्रश्नों ने लईने गुजरातना प्रश्नों लईने सतत अमे प्रजानी वच्चे ज रह्या छे। अत्यारे विशेष जवाबदारी मळी छे एटले जे कंई मंत्रालय मळे ए मंत्रालय में खूब सरस जे रीते भरोसा राख्यो छे अने जे विश्वास राख्यो छे एटले एमनी साथे रहीने, कारण के महिला नेतृत्वने आटलो मोको मळ्यो छे, आटली बधी महिला सांसदोने मंत्रीओ बनाव्या छे अने एनी साथे जवाबदारी પણ વધી છે ત્યારે એમના આશીર્વાદથી ખૂબ સરસ કામ કરીશ। બિલકુલ, અગલે સાલ ગુજરાતમાં ચુનાવ વીએમએમ
और अब चूंकि मंत्री पद दिया गया है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्या कुछ एक नई रणनीति लेकर आप चलेंगी? राज्य सरकारना निर्णयों प्रजालक्षी छे, संगठन पण खूब सरस काम करी रह्यु छे। विजयभाईना नेतृत्वमां अने सीआर पाटिलना नेतृत्वमां सत्ता अने संगठननो समन्वय खूब सारो छे। एनुं परिणाम हमणां बाय इलेक्शनमां आपणे जोई लीधुं छे। पेटा चूंटणीनी अंदर पण भारतीय जनता पार्टीनो विजय थयो, जिल्ला पंચાયત તાલુકા પંચાયત પણ 90% જીત્યા છે, અને ટાર્ગેટ જ્યારે હવે 182 સીટનો રાખ્યો છે, ત્યારે એમાં આ કેન્દ્રીય નેતૃત્વને કારણે જે કંઈ નિર્ણયો લેવા છે કે પાંચ પાંચ મંત્રીઓ જુદા જુદા વિસ્તારમાંથી આખા ગુજરાતમાંથી કવર થયા છે, અને એના સપોર્ટમાં રહીશું અને એમાં વધારે સરસ પરિણામ લાવવાના પ્રયત્ન કરશું। जिस तरीके से मोदी कैबिनेट का विस्तार किया गया है, नए चेहरों को तो शामिल किया ही गया है, इसके साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, तो महिला सशक्तिकरण की तरफ भी चल रही है सरकार? हाँ, वो आ तो पहले थी नरेंद्र भाई ने खबर ज छे, अने आजे जारे नड्डा जी जोड़े बात थी, केंद्रीय नेतृत्व जोड़े बात थी, अमित भाई हता, राजनाथ सिंह हता, અને ત્યારે અમે બધા મહિલાઓ મંત્રીઓ ભેગા થઈને ફોટો પડાવ્યો, ત્યારે પણ એમણે એવું કહ્યું કે એક ટીમ થઈને તમે કામ કરજો, અને બધાએ જ ખૂબ આનંદ વ્યક્ત કર્યો। ત્યારે નડ્ડાજીએ વિશેષ અમને લોકોને જાણકારી આપી કે જ્યારે પણ મંત્રીમંડળની તૈયારી થઈ ત્યારે નવા ચહેરા લાવો, દરેક વિસ્તારમાંથી લાવો અને મહિલાઓ લાવો, એવો એમનો પોતાનો જ આગ્રહ હતો। એટલે નરેન્દ્રભાઈના આગ્રહને કારણે જ આટલા મહિલા નેતૃત્વને જવાબદારી મળી છે। बस एक आखिरी सवाल है मैम कि आप कॉरपोरेटर भी हैं और जो महिलाएं हैं गुजरात की, जो कि महिलाएं वहाँ की ट्रेडिशनल काम काफ़ी ज़्यादा करती हैं, अब महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचा है कि उनको और आगे कैसे बढ़ाना है? महिला વસ્તીના 50% છે, ભાગીદારીમાં પણ 50% છે, સત્તામાં પણ 50% છે, જવાબદારી નિભાવવામાં પણ 50% છે। એટલે અત્યારે દરેક ઘરની અંદર મહિલાઓ પોતે કામ કરે જ છે, સખી મંડળનું માધ્યમ હોય કે પોતાનું ઘર ચલાવવાનું કામ હોય। પણ સુરત એક એવું શહેર છે કે જે મેટ્રોપોલી સિટી, મોટો સિટી, સ્માર્ટ સિટી છે, અને એની અંદર મહિલાઓ કામ કરે જ છે, અને એ લોકોને વધારે સારી તક મળે, એ લોકો પોતે સારી રીતે પોતાના ઘરને અને પોતાના વ્યવસાયને મજબૂત કરી શકે એના પ્રયત્ન ચોક્કસ કરીશું। મનસુખ માંડવિયા અંગે મોદીએ કરી હતી ભવિષ્યવાણી।